ट्रैफिक थाना प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी आरक्षक अमित सिंह के साथ रिश्वत लेते गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक दिन में ही 3 घूसखोरों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्यवाही सीधी जिले के मझौली में पटवारी को धर दबोचा था। दूसरी कार्यवाही रीवा मुख्यालय में ट्रैफिक थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी और आरक्षक अमित सिंह को 10,500 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। की गई कार्यवाही के संबंध में SP गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि आदर्श नगर निवासी नवल किशोर मिश्रा बोलेरो पिकअप वाहन चलाते हैं। गत दिवस उनकी गाड़ी कूलर लोड कर सीधी जा रही थी, तभी यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी ने उसे पकड़ा और छोड़ने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी। गत 4 दिन से गाड़ी थाने में खड़ी थी, गाड़ी में लोड कूलर भी नहीं उतारे गए थे। रिश्वत मांगने की शिकायत पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई, जिसकी सत्यता की जांच कराने पर टीम गठित कर यातायात थाने में ही सूबेदार दिलीप तिवारी और आरक्षक अमित सिंह को 10,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसमें रीवा के आदर्श नगर निवासी हैं नवल किशोर रजक, इनका एक बुलेरो पिकअप वाहन चलता है। 24 तारीख को शाम को करीब 8:30 बजे उसमें जो है कुछ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसमें कूलर भरकर सीधी मझौली जाना था, तो रात में 8:30 बजे के करीब जो है उस गाड़ी को चेकिंग के लिए जो पुलिस की रूटीन चेकिंग होती है उसमें रोका गया था और उसमें ड्राइवर की चेकिंग और बाकी सब गाड़ियों के कागजात की चेकिंग की गई थी। उसी कारण से उस गाड़ी को जो भी उसमें कमी पेशी पाई गई होगी, शराब पीकर वाहन चलाने का भी एक आरोप ड्राइवर लगाया, जो कि बाद में फरियादी का ऐसा कहना है उसने शराब नहीं पी थी। उस गाड़ी को जो है 24 तारीख से पकड़ के आज दिनांक तक थाने में खड़ा किया हुआ ट्रैफिक थाने के जो इंचार्ज हैं सूबेदार दिलीप तिवारी और एक उनका आरक्षक के साथ ही। फरियादी के अनुसार जो है उसमें इसको बुलाया गया दूसरे दिन सुबह। बुलाने के बाद उससे जो है 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई गाड़ी छोड़ने की। अब चूंकि इसमें अगर नियम की बात करें तो ऐसा है कि या तो पुलिस खुद चालान करके गाड़ी छोड़ दे, जो भी उसमें दंडात्मक कार्रवाई उसको होना चाहिए। सेकंड फेज है जो भी ट्रांसपोर्ट नियम है उसमें अपना न्यायालय में जो है चालान जमा करके बेच के और जो भी उस पर दंड बनता है आर्थिक दंड या जो भी होता है तो उस पर कार्रवाई हो जाना चाहिए। तो 4 दिन से गाड़ी खड़ी होने के बावजूद फरियादी का ऐसा भी कहना है कि चूँकि उसमें हमारा माल था, गाड़ी नहीं छोड़ी तो ये बाद में गया था खाली गाड़ी लेके, तो उसमें भी जो है उसने माल भी नहीं छोड़ा, गाड़ी तो छोड़ी नहीं लेकिन जो उसमें कूलर वगैरह जो भरे हुए थे सामान वो भी उन्होंने वापस नहीं किया गया। तो वो 15,000 रुपये चूँकि नहीं दे देने की स्थिति में था, इसलिए फिर जो है उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी, उसका हमने सत्यापन कराया। उस सत्यापन में क्लियर कट डिमांड पाई गई और आज जो है 15,000 की जो डिमांड थी उनकी, उसके एवज में जो 10,500 का सौदा तय हुआ था वो 10,500 रुपये लेते हुए एक आरक्षक जो है और सूबेदार जो कि थाना प्रभारी भी है ट्रैफिक के रीवा के, उनको आज दोनों को रंगे हाथों रीवा लोकायुक्त के द्वारा जो है पकड़ा गया। पहले कुछ रकम ले चुके हैं? नहीं, पहले कोई रकम नहीं ली, बातचीत हुई थी, बातचीत के बाद चूँकि वो दे नहीं पाया था फरियादी को, परेशान था, उसका सामान भी नहीं लौटाया गया था, तो उसने हमारे यहाँ शिकायत की थी। तो प्रभारी का नाम क्या था? प्रभारी का नाम दिलीप तिवारी। आरक्षक है? आरक्षक हैं अमित सिंह, आरक्षक अमित सिंह और दिलीप तिवारी। कार्रवाई सर कहाँ हुई है? थाने में, ट्रैफिक थाने में गई थी 24 तारीख की रात में, और सर मैं छुड़वाने के लिए गया था कि हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए, उसमें 15,000 रुपये मांग रहे थे। फिर सर मेरी काफ़ी मिन्नतें करने के बाद दिलीप तिवारी जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि 10,500 रुपये जमा कर दो, हमारी गाड़ी हम यहीं से छोड़ देंगे। तो पैसे कब आपने कहाँ पे दिए हैं? सर मैं कल भी गया था पर कल सर मिले नहीं थे, तो आज ट्रैफिक यहाँ पे सिविल लाइन थाना के सामने चेकिंग लगी हुई थी तो वहीं पे मेरे को देना पड़ा। पैसा आपने आपसे किस बात के लिए पैसे मांगे गए? गाड़ी छोड़ने के लिए। क्या आरोप लगाया गया था आपको? आरोप तो सर गाड़ी पकड़ी गई थी तो बोल रहा था कि ड्राइवर आपका दारू पिए हुए है। दारू पिए थे वो? नहीं सर, कोई दारू नहीं पिया हुआ था। कहाँ ले जा रहे थे आप सामान? सर ये रीवा से मझौली के लिए लोड किया हुआ था कूलर। जो गाड़ी में सामान रखा हुआ था कूलर लोड है। ये कहाँ रीवा से मझौली ले जा रहे थे, क्या सामान था? कूलर था सर। ये कब की घटना है? ये 24 तारीख की शाम की घटना है।
तो आपने इसकी विधिवत रसीद कटवाने की प्रयास किया था कि भाई अगर चलान हुआ तो चलान कर दीजिए? सर मैं कोशिश कर रहा था कि छूट जाए सस्ते में। सर ये बोल रहे थे कि 15,000 से 20,000 रुपये का चलान होगा कोर्ट से, तो मैंने बोला कि सर यहीं से छोड़ दीजिए, तो ये मान नहीं रहे थे सर। आपकी दुकान है? नहीं दुकान नहीं है सर, मैं सर किसानी करता हूँ। किसानी करते हैं? सामान मतलब आपकी गाड़ी है? जी सर मेरी गाड़ी है। आपका नाम क्या है? नवल किशोर रजक। पैसा किसके हाथ में लिया है? पैसा सर सूबेदार साहब ने अमित सिंह बघेल जी को दिलवाया था। पैसा दिलवाया? पैसे की बात किससे? पैसे की बात सर अमित तिवारी, सॉरी दिलीप तिवारी जी से।